नमस्कार गोर्खा च्यानल को न्यूज बुलेटिन समाचार टाइम्स में यहाँ स्वागत छ। कालेबुङ जिल्ला खेलकूद संगठन केडीएसए द्वारा आयोजित कालेबुङ डिस्ट्रिक्ट ओलंपिक मीट 2019 हिजो सोमवार समापन भयो। मेला ग्राउंड में संपन्न समापन कार्यक्रम में 18 दिवसीय यस खेलकूद महासमर में भाग लिएर विजेता अनि उपविजेता बनेका 1300 खिलाड़ीहरूलाई मेडल आदि पुरस्कार प्रदान गरियो। गत 10 जनवरीदेखि आरम्भ भएको यस ओलम्पिक मिटमा 18 वटा विभिन्न खेलकुदहरूलाई सामेल गरिएको थियो भने प्रत्येक खेलका विजेता अनि उपविजेताहरूलाई यस दिन आमन्त्रित अतिथिहरूको बाहुलीबाट पदकहरू प्रदान गरिएका थिए। समापन समारोहमा बंगाल ओलम्पिकका उपाध्यक्ष असित बनर्जी मुख्य अतिथिको रूपमा उपस्थित रहेका थिए। यस्तै प्रकारले गोर्खा जनमुक्ति मोर्चा जिल्ला अध्यक्ष सञ्चबीर सुब्बा, महासचिव गायत्री मुखिया, कालेबुङ नगरपालिका अध्यक्ष रवि प्रधान, उपाध्यक्ष भीम अग्रवाल, जाप अध्यक्ष डाक्टर हर्कबहादुर छेत्री, चेली इकाई प्रमुख प्रतिभा कुमाई, पार्टी नेता युसुफ सिमिक, समाजसेविका ज्योति कार्की लगायत दार्जिलिङ डिस्ट्रिक्ट बक्सिङ एसोसिएसनका अध्यक्ष खोकन बनर्जी लगायत विभिन्न खेलकुदसित सम्बन्धित व्यक्तित्वहरू, संघ संगठनका प्रतिनिधिहरू साथै गण्यमान्य व्यक्तित्वहरूको उपस्थिति रहेको थियो। कार्यक्रमको अवधि कालेबुङका भेटरन फुटबल खेलाडी सोनाम भुटियालाई आज केडीएसएको तर्फबाट विशेष रूपले सम्बर्धना जनाइएको थियो। अवसरमा नेपालबाट आमन्त्रित कलाकारहरू तृष्णा गुरुङ, रुज मोक्तान अनि नुवाङ शेर्पाद्वारा रङ्गारङ्ग साङ्गीतिक कार्यक्रमहरू प्रस्तुत गरिएका थिए। Sri Asit Banerjee, President, Bengal Olympic Association. Sorry, Vice President, Bengal Olympic Association. Upasthit bhayeko bhayeko cha. Yahalai hami Ayojak Samitiko pakshbata hardik swagat gardai manchko aghilo bhagma hamro asan grahanko nimti agrah gardachhau. जनगण मन अधिनायक जय हे भारत भाग्य विधाता पंजाब सिंध गुजरात मराठा द्रविड उत्कल बंगा विंध्य हिमाचल यमुना गंगा उच्छल जलधि तरंगा तब शुभ नामे जागे तब शुभ आशीष मांगे गाहे तब जय गाथा जन गण मंगल दायक जय हे भारत भाग्य विधाता This is the first time we organize Kalimpong District Olympics Games. And our main motto is to produce Olympians and Olympic medalists from these hills in the forthcoming Olympics Games. Maybe 2024 or 2028. भइरहनु पर्छ। यो सुरुवात मात्रै हो, अब हामीले वी हेभ टु गो माइल्स एन्ड माइल्स अहेड। र अब हामीले कालिम्पोङ भन्दाखेरि हामीले एडुकेसनमा हामीले चिनारी दिइसकेका छौँ, फ्लोरिकल्चरमा हामीले चिनारी दिइसकेका छौँ, हामीले हर्टिकल्चरमा सबैले चिन्छ, टुरिज्ममा हिल्सलाई चिन्छ, अब हामीले स्पोर्ट्स कालिम्पोङ अथवा दार्जिलिङ अथवा जिटिए कुनै पहाड क्षेत्रभन्दा हामीले त्यहाँ चाहिँ स्पोर्ट्स स्टारहरू छ, त्यही स्पोर्ट्स प्रमोटरहरू छ, त्यही स्पोर्ट्स लभर्सहरू छ भनेर हामीले काम गर्ने दिन आएको छ। सबैलाई भविष्यमा हामीलाई साथ दिनुहुन्छ भनेर हामी नम्र निवेदन गर्दछौँ। कालिम्पोङ, जय कालिम्पोङ डिस्ट्रिक्ट।
स्पोर्ट्स एसोसिएशन कालिम्पोंग के हर वीर बालकों को, हर वीर बालिका को, हर वीर ऑर्गेनाइजर को मैं बाबा हिमालय के पास आशीर्वाद चाहता हूँ। कालिम्पोंग के नाम हमारे तिरंगा पताका दुनिया को कोने कोने पहुंचाओ। जय बाबा हिमालय। आज जो करके दिखाया कालिम्पोंग डिस्ट्रिक्ट स्पोर्ट्स एसोसिएशन जो आपके सामने जो दिया जलाया, ये रोशनी दुनिया तक चले जाए। बंगाल ओलंपिक एसोसिएशन, इंडियन ओलंपिक एसोसिएशन, ओलंपिक का मैदान सब हमारे मुट्ठी पे है। कालिम्पोंग के बच्चे, कालिम्पोंग के संतान शेर बनेंगे, चैंपियन बनेंगे। आज जो शुरू हुआ, आज क्लोजिंग नहीं है, आज क्लोजिंग नहीं है, आज तो शुरू है। जय मां काली, यही प्रार्थना करेंगे। ये हमारे अनाउंसर भाई साहब जितना तेज से पिछली 4-5-6 घंटा, पिछली 10-15-16-18 दिन यहाँ पे मेला मात को एक मिलन मेला बना दिया। आपके बॉक्सर मिलन भारत के कोने कोने पहुंचता है। आपके बॉक्सर, आपके कोच साहब मिलन, जिनको हम कभी दिल्ली में भेजा, कभी केरला में भेजा, अभी नागपुर में भेजा, वहां जाके कालिम्पोंग को चमत्कार दिखा के आया। ये मिलन मिलन बनाएंगे। यहाँ का हर एक दोस्तों को, यहाँ का हर एक मददकारी को, यहाँ का हर एसोसिएशन, हर इंडिविजुअल, यहाँ का 350 स्कूल सबके पास मेरा विनीत, मेरा प्रार्थना ये है, ये प्रोग्राम को ये सक्सेस करो। ये हमारा प्रायोरिटी है इंडियन स्पोर्ट्स का। कालिम्पोंग पहाड़ के बच्चे हैं, पहाड़ को सामने करो, पहाड़ को आसमान तक पहुंचाओ, पहाड़ को समाज का मुट्ठी बनाओ, हेड बनाओ, एवरेस्ट बनाओ। जय हो कालिम्पोंग। प्रणाम, अनेक अनेक धन्यवाद। हमारी चीफ गेस्ट आशीष बैनर्जी, आदिश बैनर्जी, वाइस प्रेसिडेंट बंगाल ओलंपिक एसोसिएशन, आपको हम तहे दिल से शुक्रिया अदा देते हुए आने वाले दिन में हम आपके ओर से इसी तरह का सहयोग का अपेक्षा करेंगे। पहाड़ के बॉक्सिंग प्रेमियों को, पहाड़ के क्रीड़ा प्रेमियों को सबका मेरा प्रणाम। सच कहते हैं कि मेरे को पहले नमस्कार करने के साथ ये भी कहें कि मेरे को माफ कर दिया जाए, मेरे को नेपाली नहीं आता। कितना अच्छा अभी नेपाली में सुना, कैसा था ये गेम, कैसा था ये इवेंट, क्या था इसका फ्यूचर। अगर मेरे को नेपाली आता तो मैं आपको हृदय तक पहुंच सकता था। मैं आपको वचन दे रहा हूं, जैसा आप सुने, नेक्स्ट इवेंट जब आप कराओगे, हो सकता है मिनी ओलंपिक हो सकता है मिनी गेम हो, कुछ भी होगा, उससे पहले मैं भी 1 महीना पहले आएंगे, मैं भी आपकी तरह नेपाली बोलेंगे और नेपाली में टेलीकास्ट करेंगे। आपको तलिया हमारे दिल तक पहुंच जाएगा, ये मेरा वादा है जी। यस, इट वाज अ वंडरफुल स्टार्ट। ओलंपिक तो एक टेस्ट ऑफ टुगेदरनेस, एक टेस्ट ऑफ टुगेदरनेस। लोग खेलने आते हैं, लड़ते हैं, दौड़ते हैं, कितना कुछ करते हैं, अपने बल को टेस्ट होता है। ये आज के नहीं, वो महाभारत के समय से हुआ है। भीष्म द्रोणाचार्य भीष्म ने वो अर्जुन से लेकर सबको टेस्ट लेता था, वही चलता है, वही चलता है आज भी। हमारे बच्चे भी टेस्ट देता है। कल बताओ, आप जब देखा वो आपके मेला प्रांगण, जो मिलन प्रांगण हुआ,
जहां पे 1200 बच्चे को मेडल मिला, 1200 घर में जब मेडल पहुंचा, आप बताओ आप घर के आपके पापा को मम्मी को क्या लगा, आपको दोस्तों को कैसे लगा, आपको जो सिखाया गया उसको कैसा लगा, ये आपको दिल से पूछो, दिल से जवाब सुनो। और दिल से ये जवाब आएगा, एक ही जवाब आएगा, इसको आगे बढ़ाओ, इसको आगे बढ़ाओ। ये हिंदुस्तान की तिरंगा लहरता है, इस तिरंगा को आगे ले जाओ। नेपाल से गीत सुनाने आए कृष्णा दीदी, इधर का ये शहर का एक एक व्यापारी, जहां में से सुने मिलन से, या आपको मिलन के जानते हो ना, ये मिलन है हिंदुस्तान के कोने कोने। हम जब इंडियन बॉक्सिंग के तरह विभिन्न टूर्नामेंट में भेजते हैं मिलन को, मिलन सुब्बा ए बॉक्सर, ए कोच, इज अ गुड ऑर्गेनाइजर, गुड वर्कर, इट हैज बीन प्रूव्ड इन एवरी पार्ट ऑफ इंडियन बॉक्सिंग। इसको मानो, इसको मदद करो, इसको साथ दो, साथ ही हाथ बढ़ाओ। मैं आपको वचन दे रहा हूं, मेरी कम तो क्या है, मेरी कम अगर वो गांव से ओलंपिक तक पहुंच सकता है बार 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 बार, तो कालिम्पोंग नहीं पहुंच सकता है क्या? अरे ये तो एक ऐसा जगह है जो कि हिमालय देव का आशीर्वाद आपको सुबह शाम मिलता है। मेरे को आश्चर्य लग रहा है व्हाई कालिम्पोंग इज अनअटेंडेड, Why we go for one Darjeeling Tiger Hill only? अरे टाइगर तो यहां है भाई, टाइगर्स तो यहां है भाई। ये बच्चे को आगे बढ़ाओ, ये हिंदुस्तान का नाम रोशन करेगा, हर स्पोर्ट्स में करेगा। यू आर फाइटर, बॉर्न फाइटर, जीतो। क्यों उठाई स्पोर्ट्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया, भारत सरकार, यहां पे क्यों नहीं स्पेशल एरिया गेम्स करेगा, एसएजी क्यों नहीं होगा कालिम्पोंग में? हम नहीं कहते कि बॉक्सिंग के लिए चाहिए, आपके बच्चे के लिए जो गेम सूट करता है। यू लव फाइट, फाइट वो गेम करो, वो गेम का इंफ्रास्ट्रक्चर करो, बच्चे आएंगे। ऐसा ही मैं आइजोल में जाके बोला था 2 साल पहले, आज देखो आइजोल कहां पहुंचा, कितने वर्ल्ड चैंपियन आइजोल में हैं, मेडलिस्ट आइजोल में हैं। ऐसा ही मैं मेरिकम के वहां पे जाके बोला था, मेरिकम को कलकत्ता लेके आया था इतना सा बच्चा 1919 में, आज मेरिकम का नाम लेके हिंदुस्तान का नाम लिया जाता है, तो क्यों नहीं कालिम्पोंग करेगा? जरा जानो आप कौन हो, आप तो जागो। इंडिया यहां पे है, तिरंगा यहां पे है, खाली इसको जगाओ। एक एक मिलन आपके घर में है, वो सब मिलन के मिलाओ ना, देखो हिंदुस्तान के स्पोर्ट्स कहां जाता है। आपको कोई सरकार का मदद नहीं चाहिए, आपके डिस्ट्रिक्ट एसोसिएशन बना, कालिम्पोंग डिस्ट्रिक्ट स्पोर्ट्स एसोसिएशन किससे बनाया? हर जगह में, मैं कल मैदान में सुनता था, ग्राउंड में सुनता था कि एसोसिएशन पहले बने, ये बच्चे पहले बने, हर जगह में तो एसोसिएशन बना और एसोसिएशन के लोग बच्चे को चुन चुन के बनाया। अरे यहां तो उल्टा है भाई, यहां बच्चे पहले बने एंड दे थॉट कि हमें एसोसिएशन चाहिए, हमें सिस्टम चाहिए, हमें डिसिप्लिन चाहिए, हमें इंफ्रास्ट्रक्चर चाहिए, हमें सबको मिलाना चाहिए, करके दिखाया। सो टुडे यू गॉट योर लविंग एसोसिएशन, कालिम्पोंग डिस्ट्रिक्ट स्पोर्ट्स एसोसिएशन, वंडरफुल। आपका दिल का टुकड़ा है, इसको सजाओ ना, तब ना तीर मारेगा, तब ना अर्जुन बनेगा, 100% बनेगा, 100% भरोसा रखो। हिम्मत करो, आप हिम्मतदार हो, बाहर के बच्चे होते, एक बार जागो। थैंक यू। कालिम्पोंग में अब हेर्नुस, हाम्रो दार्जिलिङ चाहिँ के भन्छ,
क्वीन अफ हिल भन्छ त कालिम्पोङमा केही यस्तो क्वीन अफ कालिम्पोङ पनि भन्नुपर्छ किनकि एभ्रिथिङ इज इन कालिम्पोङ कालिम्पोङ एउटा शान्तिको वातावरण छ यहाँको सिनेरीहरू राम्रो छ यहाँको स्पोर्ट्सम्यानहरू हेर्नुहोस् यहाँको कति ट्यालेन्टेड छ अब हामी यही भन्नुको चेष्टा गर्दैछु जुन यहाँको मेन चाहिँ सपोर्ट गर्नुपर्छ एभ्रीलाई सबलाई अगाडि आएर यो गेम यो जस्तो एउटा अम्ब्रेलाको मुनि एउटा गेम भयो यसको सपोर्ट गर्नुपर्छ यसको सपोर्टको लागि हाम्रो प्रशासनको हेल्प चाहिन्छ हाम्रो पोलिटिकल लिडरहरूको हेल्प चाहिन्छ हाम्रो यहाँको व्यापारीको सबदेखि ठुलो कुरा चाहिँ एउटा यस्तो गेम गर्नुको लागि चाहिन्छ पैसा हामी सिलगढीमा छौँ सिलगढीमा एउटा यस्तो अर्गनाइज गर्नुको लागि पैसाको केही प्रब्लम हुँदैन किन व्यापारीहरू चाहिँ उहाँको छिट्टो इन्भल्भ भइहाल्छ तर इन्भल्भ गर्नुको लागि हाम्रो यहाँ दार्जिलिङ कालिम्पोङ डिस्ट्रिक्ट स्पोर्ट्स एसोसिएसनको जुन हाम्रो सदस्यहरू छ उसलाई पनि व्यापारीलाई पनि इन्भल्भ गर्नुपर्छ व्यापारी इन्भल्भ भए पनि तपाईँको पैसाको प्रब्लम हुँदैन यो गेम गर्नुको लागि थुप्रो पैसा लाग्यो मलाई थाहा छ पैसा कहाँबाट आयो कसरी कसले दियो मैले उसलाई धेरै धन्यवाद दिनु चाहिन्छ यस्तो एउटा कालिम्पोङ सानो जग्गामा यस्तो एउटा ठुलो प्रोग्राम गरेको हो अन्त मेरो भन्नुको कुरा चाहिँ यहाँ कालिम्पोङको ट्यालेन्टेड थुप्रो छ यहाँ प्लेयरले के हुन्छ एउटा राम्रो जग्गामा पुगेपछि उसको फेरि उसको अगाडि चाहिँ बाटो पाउँदैन बाटो नपाएर त्यसले चाहिँ मुनिपट्टि जान्छ हराउँछ एक दिन त्यो प्लेयर चाहिँ हराइहाल्छ उसको फेरि केही काम हुँदैन सरकारलाई पनि अलिकति धेर दिनुपर्छ जुन ट्यालेन्टेड प्लेयर्सहरू छ उसको सर्भिस छैन हिलमा तपाईँले यस्तै दुःख छ सर्भिस छैन केही सर्भिसको यो छैन बाबुआमाले दुःख गरेर नानीलाई पढाउँछ नानीलाई खेलाउँछ टुडे स्पोर्ट्स इज ए इम्पोर्टेन्ट स्पोर्ट्स पार्ट अफ द एडुकेसन अल्सो खालि पढेर हुँदैन खेल्नु पनि पर्छ खेल्नुको लागि यस्तो हाम्रो भाइहरू यहाँ मैले हेरेको कालिम्पोङ स्पोर्ट्स एसोसिएसनको सबै मेम्बर्सहरू चाहिँ यति ट्यालेन्टेड छ तपाईँ जस्तो च्यानल उसको सपोर्ट गरेको हो अन्त अलिकति चाहिँ सबलाई एकसाथमा चल्नुपर्छ हाम्रो पोलिटिकल लिडरहरू हाम्रो जस्तो यहाँको प्रशासनहरू यहाँ टी गार्डन छ यहाँ थुप्रो तपाईँको हाम्रो कालिम्पोङको क्याक्टस कालिम्पोङको वर्ल्ड फेमस हो त्यसको कारण चाहिँ यहाँ चाहिँ स्पोर्ट्समा ट्यालेन्टेड जुन नानीहरू छ उसलाई चाहिँ अलि लाइमलाइटमा लिनुपर्छ यसको लागि हामी सबलाई मिलाउनुपर्छ हामी चाहिँ सिलगढीबाट आजै मैले कुरा गरेको सिलगढीबाट नेक्स्ट टाइम यो गेम हुँदाखेरि हामी एक महिना अगाडि आउँछ हामी सिलगढीबाट व्यापारी मान्छेलाई यहाँ लिएर आउँछ यहाँ थुप्रो डिस्ट्रिब्युटरहरू छ उहाँबाट पैसाको जुन पैसा तपाईँको गोबीमा छ भने तपाईँले अझै प्लानिङ गर्नु सक्छ त्यही कारण मैले भनेको कालिम्पोङको यो ओलम्पिक गेम जुन छ यो चाहिँ तपाईँले एभ्री इयर गर्नुहोस् हामी एउटा सानो मान्छे भएर मलाई तपाईँलाई वचन दिँदैछ हामी सिलगढीबाट जति पनि सपोर्ट गर्नु सक्छ हामी गर्छु कालिम्पोङको मान्छे कालिम्पोङको बासिन्दा सबलाई भन्छु तपाईँले हर घरबाट अलिअलि हेल्प गर्नुहोस् यो गेमको लागि यहाँको प्लेयर्सहरू जो कुनै राम्रो प्लेयर छ उसको केही बाहिर जानुपर्छ उसको फिनेन्सियली सपोर्ट छैन हामी सिलगढीबाट सपोर्ट गरिदिन्छु उसलाई अगाडि पठाउनुको लागि अन्त बक्सिङको लागि मैले यति यही भन्नु चाहिन्छ बक्सिङमा हामी कालिम्पोङदेखि एउटा कस्तो एउटा सुगन्ध आउँछ नि एउटा हामी सुगन्ध जस्तो देख्दैछ कालिम्पोङको नानीहरू एक दिन ओलम्पिकमा पुग्छ यो चाहिँ मेरो वादा हो अब यसको लागि जुन पनि गर्नुपर्छ हाम्रो मिलन भाइ साथमा बसेर हामी अगाडि बढ्छौँ सबलाई धेरै धन्यवाद नमस्कार है हाम्रो कालिम्पोङ डिस्ट्रिक्ट स्पोर्ट्स एसोसिएसनको महासचिव म मिलन सुब्बा र जति पनि हामीसँग खेल स्पोर्ट्ससँग जोडिएका संस्था विभिन्न संस्थाहरू सङ्गठनहरू उहाँहरूलाई विशेष कुरो हाम्रो जुन एसोसिएसनबाट के भन्न चाहन्छु भने हाम्रो जुन कालिम्पोङ डिस्ट्रिक्ट ओलम्पिक्स मिट जुन 2019 10 तारिकदेखि
सत्ताइस तारिकसम्म भएको थियो र अट्ठाइस तारिक हाम्रो क्लोजिङ सेरेमनी थियो. विभिन्न डिसिप्लिनका सबै जुन यो एउटा हाम्रो सक्सेस बनाइदिनु भएकोमा सबैजनालाई तपाईँलाई धेरै धेरै धन्यवाद दिन चाहन्छु. हाम्रो स्पोर्ट्स कालिम्पोङ डिस्ट्रिक्ट स्पोर्ट्स एसोसिएसनबाट साथै हामीलाई मेडिकल टिम साथै कालिम्पोङ डिस्ट्रिक्ट प्रशासन उहाँलाई पनि धेरै धन्यवाद. यसरी नै मिडियादेखि लिएर कुनै पनि हाम्रो संस्था सबैसँग हामीसँग जुडेका व्यक्तिहरूलाई हामी कालिम्पोङ डिस्ट्रिक्ट स्पोर्ट्स एसोसिएसनबाट धेरै धेरै धन्यवाद दिन चाहन्छु. र मेन कुरो हामीले यो जुन एउटा यत्रो भार निभाएको थियौँ यसमा जति पनि स्पोर्ट्स डिपार्टमेन्ट भयो हाम्रो युथ एफेयर्स डिपार्टमेन्ट साथै जिटिए स्पोर्ट्स डिपार्टमेन्ट उहाँहरूको जुन कर्तव्य उहाँहरूको जुन एउटा सहयोग र हामीलाई जति पनि सहयोग गर्नेहरू उहाँलाई पनि धेरै धेरै धन्यवाद दिन चाहन्छु. र आउने दिनहरूमा पनि अझै राम्रो यो कार्यक्रम हामीले गरौँ र अझै राम्रोसितले हामीले यो एउटा यहाँको नानीहरूलाई उच्च स्थानमा पुऱ्याउँ भन्ने तपाईँ हामीले सबै एक जम्मरको कसेर हामीले इन फ्युचर नानीहरूको लागि चाहिँ यो अझै राम्रोसितले काम गरौँ भन्ने एउटा तपाईँलाई सूचना दिन चाहन्छु. र यति भन्दै मेरो दुई शब्द यहीँ राख्दछु. धन्यवाद. यो जुन हाम्रो डिस्ट्रिक्ट ओलम्पिक मिट हामीले जुन प्रकारले यहाँनिर फर्स्ट टाइम कालिम्पोङ डिस्ट्रिक्टमा हामीले यो प्रोग्राम गर्नु एउटा सक्सेस भयो इभेन्टमा यो एउटा खेलकुदमा. अहिलेसम्म भन्नुभन्दा कालिम्पोङ डिस्ट्रिक्ट स्पोर्ट्स एसोसिएसन लगातार सबै हामी संस्था हामी जुडेर जुन प्रकारले यो हामीले काम गऱ्यौँ यो पहिलो इतिहास हो हाम्रो कालिम्पोङको लागि. किनभने अहिलेसम्म यो प्रकारले सबै विभिन्न डिसिप्लिनको संस्थाहरूलाई हामीले एकता बनाएर हामीले अहिलेसम्म यो प्रकारले यो काम भएको थिएन यो जुन इभेन्ट भएको थिएन भनौँ. र योपालि चाहिँ हामी सबै संस्था जति पनि डिस्ट्रिक्टमा छ डिसिप्लिन आफ्नो आफ्नो उहाँहरूलाई सबै लिएर हामीले यो काम सक्सेस गऱ्यौँ. र फर्दर यहीँ मात्रै होइन यसको सिमित यहाँदेखि पनि अझै हामी अगाडि लाने अझै बाटोहरू छ. अझै अगाडि माथि इन्टरनेसनल एउटा ओलम्पिकसम्म जाने हाम्रो एउटा वे छ. र नेक्स्ट टाइम पनि हामीले इयरली हामीले यो प्रोग्राम कन्टिन्यू गर्नेछौँ. र यसमा सबैजना हाम्रो यहाँको कालिम्पोङ डिस्ट्रिक्टका सबैजनाको हामीलाई सहयोग चाहिन्छ.